मेरा नाम खुशहाल कुमार और ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो इसका BXi वेरिएंट है, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई और काफी फीचर्स आपको इसके BXi वेरिएंट में मिल जाते हैं। इसके बेस वेरिएंट में कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके बेस वेरिएंट में ना ही आपको पावर विंडो मिलेंगी रेयर वाली। अगर आप आफ्टर मार्केट वर्क कराना नहीं चाहते हैं तो आप इसके BXi वेरिएंट को देख सकते हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट वर्क कराने के सोच रहे हैं, जैसे आप एलॉय व्हील्स डलवाएं या फिर आप लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाने की सोच रहे हैं, सारे लेटेस्ट वर्क कराने की सोच रहे हैं आप स्विफ्ट में, तो आप इसके बेस एंड के साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक फीचर्स चाह रहे हैं उसके बाद आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहते हैं तो BXi वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और 6,82,000 रुपीज कार का एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस इस कार का बिजनौर उत्तर प्रदेश में है 7,75,000 रुपीज का विदाउट एसेसरीज। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है आपके सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपके सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा इस कार का। या फिर आपको किसी और कार का भी ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपके सिटी का नाम और कार का नाम। वही चलिए फिर, कुछ इस तरह की मिल जाती है आपको उस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये इस कार की हेडलाइट, हेलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको उसकी हेडलाइट में, और इंडिकेटर में भी आपको उसमें बल्ब मिलने वाला है। कुछ इस तरह की ग्रिल मिल जाएगी आपको और क्रोम स्ट्रिप। BXi वेरिएंट में आपको कोई फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल, और 14 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाएंगे आपको विद व्हील कवर्स। इंडिकेटर आपको उस कार की ORBM पर मिलने वाला है। बॉडी कलर्ड ORBM मिल जाएगा आपको, और ए पिलर बी पिलर आपको उसमें ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं। फ्रंट डोर हैंडल आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, तरह की लगती है बैक से देखने में। ऊपर की साइड आपको एंटीना मिल जाएगा, स्पॉयलर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, बाइफर डिफोगर बोस्टर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इस कार में। स्विफ्ट की बेजिंग, कुछ इस तरह की टेल लाइट मिल जाएगी इस कार में, आप देख सकते हैं LED टेल लाइट मिल जाएगी। इंडिकेटर और बैक लाइट में आपको बल्ब मिल जाएगा। नीचे की साइड 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। तो इस कार में आपको 70 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और क्या क्या डायमेंशन है इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। तो वे चलिए फिर, कुछ इस तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक, जो भी आपको मिल जाता है एक्सटीरियर वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो वे चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ फिर किस तरह का आपको इस कार में इंटीरियर मिल जाएगा। ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड डोर। इंटीरियर हो चाहे डोर हो, आपको पूरा ब्लैक कलर का दिया जाएगा। डोर ओपनर हो गया क्रोम कलर का। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM उनके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो कंट्रोल दिए जाएंगे आपको उसके डोर में। वाटर बॉटल स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस और स्पीकर। और ये इसके ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा आपको रिक्लाइन करने का। और बाहर से दिखने में मुझे इस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का, और पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला इंटीरियर इस कार का, जैसे कि आप देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। सुजुकी का लोगो है, क्रोम मिल जाएगा आपको सर्कुलर में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको सिर्फ एक साइड दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। सिल्वर फिनिश मिल जाएगी आपको यहाँ पर, और फिर ओवरऑल को इस तरह का लगता है स्टीयरिंग व्हील। और ये रहा कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर आपको बीच में छोटे साइज की मिल जाएगी, MID जिसमें आपको उसके फ्यूल का क्या माइलेज दे रही है आपकी कार और कितना चल गई वो आपको सब कुछ उसमें दिखता रहेगा। और कुछ आपको अलर्ट लाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको उसके RPM मीटर में मिल जाएंगी। और ये रहा कार का सेंटर कंसोल, सर्कुलर में मिल जाएंगे आपको दो AC वेंट्स, हजार्ड लाइट का हो गया बटन, और ये ड्राइवर साइड का AC वेंट कुछ तरह का मिल जाएगा आपको। और 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको इसके BXi वेरिएंट में। और मैनुअल AC दी गई है इस कार में। नीचे से 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB ऑक्स पोर्ट, थोड़ा स्पेस, दो का फोल्डर, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, और ये रहा हैंड ब्रेक। और मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाया था, कोई इतना स्पेस आपको इस कार के ग्लव बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ग्रे कलर की फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा इस कार का सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट होल्डर दिया जाएगा यहाँ पर। और ये रहा कैबिन लैंप, हैलोजन में मिल जाएगा, IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ग्रैब हैंडल। और ये इसकी को ड्राइवर साइड सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको फ्रंट में, और बैक में आपको फिक्स हेडरेस्ट दिए जाएंगे। वो कुछ इस तरह की रहने वाली है सीट्स इस कार की, कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ है इन पर, फैब्रिक सीट्स रहने वाली है। और ये इसका को ड्राइवर साइड डोर, वाटर बॉटल के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, स्पीकर, पावर विंडो। और फिर ओवरऑल कुछ तरह का लगता है इंटीरियर कार का फ्रंट सीट पर बैठकर, जैसे देखते हैं काफी बढ़िया फीचर्स आपको इसके BXi वेरिएंट में मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिजाइन है वो भी काफी बढ़िया लगता है, आपको स्पोर्टी फील करा देगा। उसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफी बढ़िया है। और इसके BXi वेरिएंट में आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं इसके इंटीरियर में, जैसा पावर विंडो मिल जाएंगे आपको चारों डोर में, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM मिल जाएंगे जिनको आप इजीली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, और रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, और 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि देखने में टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह लगता है पर लेकिन है 2D का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रहने वाला है।
लेकिन जो इसके बटन है वो जो रेस्पॉन्स रहेगा वो आपको टच वाला मिलेगा। एंटरटेनमेंट भी देखने में काफी बढ़िया लगता है। तो चलिए फिर चल लेता हूँ मैं इस कार की रियर सीट पर, आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। और ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम रियर में आपको दिया जाएगा। मेरी हाइट 6 फीट है जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा। और ये रहा इस कार का बैक डोर। डोर ओपनर आपको क्रोम कलर का मिल जाएगा, पावर विंडो मिल जाएगी और वाटर बॉटल स्पेस और स्पीकर के लिए। 1 लीटर की बोतल आप इसमें नहीं रख सकते हैं, 500 ml की बोतल आप इजीली रख सकते हैं। तो हिसाब से कितना लेग रूम आपको इस कार में मिल जाएगा, ठीक ठाक लेग रूम दिया जाएगा आपको इस कार में। और रियर सीट पर बैठकर उस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। रियर एसी वेंट्स आपको नहीं दिए जाएंगे, वाटर बॉटल स्पेस मिल जाएगा, फ्लैट सरफेस नहीं रहने वाली आपको। और फ्रंट में ऐसे मैंने आपको बता ही दिया था एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में आपको फ्रीज हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और ग्रैब हैंडल ये रहा, कैबिन लैंप आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फ्रंट में ही मिल जाता है कैबिन लैंप। तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का था इंटीरियर कार का, जो भी कुछ था इस कार के इंटीरियर वो मैंने आपको दिखाई दिया है। और जो डोर लगता है कुछ तरह का लगता है इस कार का बैक डोर, ये भी आपको पूरा ब्लैक कलर में दिया जाएगा और आप इजिली यहाँ पर वाटर बॉटल रख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाया तो फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बटन दिया जाएगा, जब इसको प्रेस करेंगे तो कार की बूट का अनलॉक हो जाएगा। पार्शियल ट्रे दी जाएगी। 268 लीटर का आपको इस कार में बूट स्पेस दिया जाएगा। नीचे साइड स्पेयर व्हील और टूल किट। तो इस कार में आपको 1200 cc का इंजन मिल जाता है जो की 88 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क। और इसी के साथ आपको इस कार से 20 km/l की माइलेज भी मिल जाएगी और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 37 लीटर की है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।